Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं केआर गुजर एग्जाम टास्क पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एग्जाम टास्क एक ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको विभिन्न प्रकार का वीडियोस देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अंदर आपको जॉब न्यूज, बुक रिव्यू और ऑनलाइन क्लासेज और इम्पोर्टेंट अपडेट, ये सारी जानकारी मिलती है। आज का जो वीडियो मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए, ये LDC कैंडिडेट्स के लिए है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए। जो इसे कम्प्लीटली देखें और शेयर भी करें, इससे आप सभी का फायदा होने वाला है। ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर किस तरीके से आपको फायदा मिलेगा, ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अच्छी तरीके से आप वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें हर एक पॉइंट को, क्योंकि LDC का जो एफिशिएंसी एग्जाम है, जो टाइपिंग एग्जाम है, उसकी डेट भी घोषित हो गई और एडमिट कार्ड भी आ गया है और फाइनली अब 5 से 7 दिन बचे हैं एग्जाम के स्टार्ट होने में। तो हम आपको ये इम्पोर्टेंट अपडेट आपके लिए लेके आए हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जो LDC का एफिशिएंसी टेस्ट है, जो सेकेंड फेज एग्जाम है जिसमें टाइपिंग और एफिशिएंसी दोनों होंगे, उसके लिए प्रवेश पत्र आ गए हैं और आप सभी ने डाउनलोड भी कर लिया होगा। ठीक है, इसके अलावा जो जिले का जो क्रम भरने का ऑप्शन था, वो लिंक था, वो भी एक्टिव हो गया है और वो भी आपने भर लिया होगा। ये जिले जो आपको भराए जा रहे हैं, ये आपको क्लियर कर दूं, ये जिले आपको ज्वाइनिंग लिस्ट के लिए भराए जा रहे हैं, तो आप इन्हें सही ढंग से भरें, अच्छे तरीके से भरें। ठीक है, जिन्होंने नहीं भराया वो भर लेना, 28 तारीख समथिंग इसकी लास्ट डेट जो बोर्ड ने बताई थी अभी तक वही है। अगर बोर्ड आगे चेंज करता है तो उसका अपडेट आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसके अलावा प्रवेश पत्र आप सभी अपना डाउनलोड कर लें, प्रिंट निकलवा लें प्रवेश पत्र का, और प्रवेश पत्र के अंदर जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। इस वीडियो में आपको ये कंप्लीट बताऊंगा कि आपको आगे क्या करना है, किस तरह की आपकी रणनीति रहेगी आगे, आज से बाद में, वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अगर आपने प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर लिया हो और उसमें इंस्ट्रक्शन को सही ढंग से आपको पढ़ लेना है और उसके अंदर साथ में आपको क्या क्या लेके जाना है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, उस चीज की आप व्यवस्था कर लें। अगर आपके पास फोटो नहीं खिंचाई हुई है तो फोटो खिंचा लें। ठीक है, इसके अलावा अपना आधार कार्ड या कोई भी एक आईडी कार्ड साथ में आपको लेके जाना है, अपना जो प्रवेश पत्र है आपको साथ में लेके जाना है। ठीक है, और आपको क्या क्या तैयारियां करनी, सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा सभी विद्यार्थियों जो सेंटर है वो लगभग आर्या कॉलेज जयपुर के अंदर है और उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग लैब है और अलग अलग शिफ्ट के अंदर अलग अलग बच्चों के पेपर होंगे। तो आपका किस शिफ्ट में आया, कौन सी लैब में आया, ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बता देना कि हमारे इस लैब के अंदर, इस शिफ्ट के अंदर एग्जाम है। ठीक है, और इस डेट को एग्जाम है, डेट, लैब और अपना शिफ्ट। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इसके अलावा जो हमारा फेसबुक ग्रुप है उसका मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है, उसे आप ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि वहां पर आपको अपने साथ में या आपकी शिफ्ट के और बच्चे भी मिलने को देखने को मिल जाएंगे, ये साथ हो जाएगा आपका, तो आप आसानी से मतलब एक साथ से अच्छे तरीके से आप वहां पर जा पाओगे और बोर भी नहीं होगे किसी भी चीज के लिए। आपको मतलब एक तो अकेले जाते हो और एक कोई साथ में जाता तो अच्छा, थोड़ा सा अच्छा रहता है, इसलिए आपको अपनी शिफ्ट के और आपके साथ के जो बच्चे वो वहां पे कांटेक्ट में हो जाएंगे आपके और सारी जानकारी भी आपको वहां पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो जो ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लें एक तो। ठीक है, और उसके बाद में अगली बात पर चले तो कीबोर्ड की बातें जो बच्चे ग्रुप के अंदर कर रहे हैं, कीबोर्ड कौन सा आएगा, कौन से कीबोर्ड होंगे, तो आपको बता दूं कि वहां पर अभी IA का एग्जाम जो पहले हुआ था, ठीक है, और कुछ बच्चे वहां पर पढ़े हुए भी है और कुछ ने अभी पहले एग्जाम भी दिया इसी कॉलेज के अंदर, तो वहां पर डेल और HP के कीबोर्ड आपको मिलेंगे, जो नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं। ठीक है, वही कीबोर्ड आपको मिलेंगे और जो पैटर्न रहेगा वो एंटर सीधा रहेगा, वो वाला मोस्टली कीबोर्ड वही है। हाँ, कुछ एक दो आ सकता है अलग, लेकिन मोस्टली जो कीबोर्ड है उनका जो सीधा एंटर होता है, जिनके अंदर एंटर एकदम सीधा होता है, ठीक है, वो कीबोर्ड होंगे। L आकार का जिनके अंदर एंटर होता है वो कीबोर्ड बहुत कम अगर होंगे तो भी पता नहीं, लेकिन अभी तक किसी स्टूडेंट्स ने ऐसा रिप्लाई नहीं किया है कि हाँ वहां पर L आकार का एंटर वाला भी कीबोर्ड है। ठीक है, अभी तक जिनसे मुझे पता चला है वो यही पता चला है कि आपको सीधा एंटर वाला ही कीबोर्ड आपको मिलेगा। ठीक है, और आगे अगर बात करें नेक्स्ट, अगर मैं आपको बताऊं कि जितना आपको मैंने पढ़ाया है उस पर आप विश्वास रखें
और अच्छे से एक बार उसका दोहरान कार्य कर ले, उसको रिविजन कर ले और खुद पर विश्वास रखें, आराम से परीक्षा दे। परीक्षा के समय आप किसी भी प्रकार से अपने ध्यान को वंचित नहीं करें, या फिर अपने ध्यान परीक्षा सेंटर मतलब जो आपको परीक्षा में जो डाटा दिया गया है टाइपिंग के लिए उससे आप ध्यान नहीं हटाएं। आसपास वाला, आपके आसपास वाला कितना फास्ट टाइप कर रहा है, कितना स्लो कर रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, आपको खुद की अपनी तैयारी को अपना एग्जाम देना है और अपने से मतलब रखते हुए सिर्फ ओनली वही 40 मिनट 50 मिनट का जो आपका पेपर होगा उस समय आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन रहे। बाद में आप वापस बाहर आके उससे अच्छे तरीके से बात कर लेना, वही वो भी वही रहने वाला है, आप भी वही रहने वाले हैं। ठीक है, कहीं नहीं जाएगा वो भी, और उससे बाद में आप बात कर सकते हैं, उससे बाद में उससे मिल सकते हैं, उसकी टाइपिंग स्पीड कैसी रही, उसका टाइपिंग कैसा रहा, सब आप बाद में पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपका जब तक टाइम चल रहा है उस समय तक आप किसी पर ध्यान नहीं दे करके सिर्फ खुद का पेपर पर ध्यान दें, और इधर उधर की जो जितने भी कोई एक्टिविटी होती है तो उस पर ध्यान नहीं दे करके अपना ध्यान भंग करोगे तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे टाइपिंग में। इसलिए अपना ध्यान को एक जगह केंद्रित रखें। ठीक है, आगे अगर नेक्स्ट बात करूं तो इसी इम्पोर्टेंट न्यूज के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, और आपको ये जो वीडियो है इसका मेन पर्पज यही है मेरा इस वीडियो को बनाने का, कि जिन स्टूडेंट्स की परीक्षा पहले दिन पहले शिफ्ट में, यानी 3 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में है, उन कैंडिडेट के अंदर अगर कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो एग्जाम टास्क से देख रहे हैं और वो अपने दोस्तों की हेल्प करना चाह रहे हैं, या कोई भी कैंडिडेट जो अपने दोस्तों की हेल्प करना चाह रहा है, बाकी कैंडिडेट्स की हेल्प करना चाहता है, क्योंकि वो 3 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट में उनका पेपर हो जाएगा तो उनको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके के एफिशिएंसी में क्वेश्चन आ रहे हैं, लेवल उनका क्या आ रहा है, और किस तरीके के वहां पर कीबोर्ड है, किस तरीके की बेंचेज है, और किस तरह के डेस्क वगैरह जो भी लगे हुए हैं, और किस तरह की उनको चेयर देखने को मिल रही है, वो सारी जानकारी उन्हें प्राप्त हो जाएगी। तो वो बाहर आकर के मैं वहां पर आपको मिल जाऊंगा। ठीक है, तो वहां पर वो मुझसे शेयर कर सकते हैं लाइव, मैं आपको एक वहां से दिखा दूंगा, वहां से एक लाइव वीडियो बना दूंगा जिससे आपको भी पता लग जाएगा सभी को किस तरीके का पेपर आ रहा है, क्या कुछ पूछा जा रहा है, और किस तरीके का टाइपिंग मैटर आ रहा है, फॉन्ट साइज वगैरह क्या रह रही है, ये सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट हेल्प करना चाहता है वो अपना फोन नंबर, नाम और अपना लैब नंबर मुझे नोट करवा दें। इस जो नंबर आपको नीचे दिया गया है इस पर आप कॉल करके कि सर मेरा ये लैब नंबर है और ये मेरा नाम है, ये मेरा नंबर है, और इस डेट को इस टाइम पर मेरा एग्जाम है और मैं आपको मिल जाऊंगा वहां पर। ठीक है, तो ये जानकारी आप मेरे को नोट करवा दें ताकि मुझे ये कंफर्म हो जाए कि इतने बच्चे हैं जो अपने वहां पर आए हैं और उनसे मुझे कॉन्टेक्ट करना है या बात करनी है ताकि मैं वहां पर आपके लिए मौजूद रहूं, एग्जाम ओवर होने तक मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा आपके लिए, और वहां से एक लाइव वीडियो आपके लिए मैं जरूर करूंगा, क्योंकि जब मैंने इतने दिन आपका साथ दिया तो उम्मीद करता हूं कि अब कुछ दिनों के लिए मैं और अच्छे से आपको प्रिपरेशन करा पाऊं, तो जिन बच्चों का हो जाता है उनको पहले पता लग जाएगा, तो इस वजह से बाकी की हेल्प हो जाएगी, और ये एक अच्छा काम है, आपको करना भी चाहिए कि बाकी की अगर हेल्प होती है, अगर आपके 2 मिनट के रिव्यू से या आपके 2 मिनट के एक फीडबैक से अगर हेल्प होती है लोगों की तो अच्छी बात है। ठीक है, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। आगे अब आपको रणनीति के बारे में मुझे बताना था कि सर अब एडमिट कार्ड आ गए, 5-6 दिन बचे, तो 5-6 दिन अब आपको क्या करना है और लास्ट एग्जाम वाले दिन अब आपको क्या करना है, तो मैं बताता हूँ कि 5-6 दिन अब आपको क्या करना है कि आपको अपने बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी मतलब जल्दबाजी के, आराम से अपनी जो टाइपिंग स्पीड है उसी को मेंटेन रखना है, अब बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है, और जितनी स्पीड है उसी से प्रैक्टिस करते रहें धीरे धीरे। ठीक है, और एकदम संयम के साथ में मतलब दिन जितने भी बचे हैं उनके अंदर अपने जो अभ्यास है उसे नियमित रखें, और इसके अलावा कहीं भी बाहर वगैरह आप जा रहे हैं तो बाइक वगैरह का इसका यूज बहुत कम करें और हर तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखें 5-7 दिन के लिए। उसके बाद आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, कोई आपको मना करने वाला नहीं है, लेकिन 5-7 दिन के लिए अपने आपको सेफ रखें और बहुत ही अलग इन्वायरमेंट में रखें ताकि आप किसी भी तरीके से आपका माइंड डिस्टर्ब ना हो एग्जाम तक। और अगर एग्जाम के दिन की अगर मैं बात करूं तो जिस दिन आपकी परीक्षा है उस दिन से आपको 1 दिन पहले आपको वहां पहुंचना है। इसका कारण मैं आपको बताता हूं कि अगर आप उस दिन जाएंगे जिसमें भी आप जाते हो, ट्रेन में जाते हो या बस में जाते हो, इससे आपको या तो आप जाओगे नाइट में या दिन में भी जाओगे तो भी आपको इससे क्या होगा कि आप थकान एक महसूस होगी शरीर के अंदर, जिससे आपकी जो एक्यूरेसी जो स्पीड वहां पर आनी चाहिए थी वो आ नहीं पाएगी, इसलिए आप वहां 1 दिन पहले पहुंचे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप कोई रूम अफोर्ड नहीं कर सकते या कोई भी होटल नहीं ले सकते, ठीक है,
नॉर्मली 200-250-300 के अंदर वहां पे होटल मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो किसी का कोई फ्रेंड्स रहता है, कहीं कुछ रहता है, रिलेटिव रहता है, तो वहां पर भी आप रुक सकते हो। और नहीं रहता तो आप 200-250-300 के अंदर आराम से रूम मिल जाएगा, तो वहां पर आप एक दिन के लिए रह सकते हो, ठीक है। और ताकि उससे आप मतलब दिमाग पे बर्डन नहीं पड़ेगा और आप थकान महसूस नहीं करोगे, तो आप अच्छे से परीक्षा दे पाओगे, ठीक है। तो मैं सभी से यही कहूंगा कि आप एक दिन पहले वहां पर पहुंच जाए, जिस दिन आपकी परीक्षा अगर 4 तारीख हो तो आप 3 तारीख को पहुंच जाए, अगर 3 को है तो आप 2 तारीख को वहां पर पहुंच जाए, ठीक है। और रात को वहीं पर ही रेस्ट करें। उसके बाद में परीक्षा के दिन जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन दिमाग को एकदम शांत रखें और किसी भी प्रकार टेंशन ना लें, ज्यादा फोन का यूज नहीं करें, क्योंकि कई बार फोन यूज करने से होता ही है कि कहीं कोई भी किसी फ्रेंड का फोन आया, उसने कुछ बात कर दी, या कि किसी भी रिलेटिव का फोन आया, उसने कोई टेंशन दे दी आपको, उससे होता क्या है आपका माइंड बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप फोन का यूज बहुत कम से कम करें, जितना जरूरी है उतना ही फोन का आप यूज करें एग्जाम वाले दिन के अंदर, ठीक है। जिस दिन आपका एग्जाम है उससे मतलब पहले 12 घंटे पहले आप फोन का यूज कम बहुत ज्यादा कम कर दें। इसके अलावा परीक्षा के दिन जो आप नाश्ता करते हैं या खाना खाते हैं वो एकदम पौष्टिक खाएं, ऐसा ना हो कि आप ऐसा खाना खाकर जाएं कि वहां पर आप जब टाइपिंग दे रहे हैं तो आपको मतलब उबासी आ रही है या फिर आलस आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा होने से होगा क्या कि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे टाइपिंग के अंदर और अच्छे से टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो खाने का विशेष तौर पर आप ध्यान रखें कि आपको जो भी खाना है वो एकदम पौष्टिक खाना है, और ऐसा खाना मत खाना जिससे कि आपको उबासी आए, नींद आए, ठीक है, आलस आए, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। और जैसे खांसी वगैरह इनका वगैरह का तो आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है। ये कोई हर एक चीज समझाने की नहीं है, आपको खुद भी समझदार है कि जब परीक्षा हमारी इस तरीके की है तो हमें बहुत सावधानी से इसके अंदर परीक्षा के अंदर अगर पास होना है तो बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, ठीक है। और परीक्षा सेंटर पर आप जाते हैं तो उससे पहले अपना आप प्रवेश पत्र चेक कर लें और अपना जो आईडी कार्ड है वो चेक कर लें, साथ में आपके पास फोटो है या नहीं अपनी वो आप चेक कर लें। ऐसा ना हो कि आप परीक्षा सेंटर पर पहुंच जाओ, वहां पर पता चले ओले में फोटो भी नहीं लेके आया, ठीक है, तो फोटो नहीं लेकर के आए, फिर आपको वापस आना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जब एग्जाम सेंटर पर आपका लास्ट टाइम रहता है और उस समय आपके पास कोई फोटो नहीं मिल रहा है, आईडी कार्ड नहीं मिल रहा है, ठीक है, या फिर आईडी कार्ड में नाम मैच नहीं कर रहा तो वो रोक देंगे साइड में आपको। तो इस वजह से ऐसा ना हो कि आपको वहां पर किसी भी प्रकार की असुविधा हो, इसलिए आप वहां पर सब अपना जो भी प्रवेश पत्र के अंदर लिखा गया है अच्छी तरीके से ध्यान से नोट करके और लेकर के जावे, ठीक है। इसके अलावा परीक्षा देते टाइम आपको किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो 100% है कि या तो आप लाइन चूक जाओगे या वर्ड गलत लिखोगे, ठीक है, इससे आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करें, जो आपकी स्पीड है वही है, स्पीड आप वहां पे आएगी, इस बात की आप टेंशन नहीं लें, आराम से जिस तरीके से आप घर पे तैयारी कर रहे हैं, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसे ही वहां पर एक प्रैक्टिस के तौर पर आपको देख के देखना है कि हाँ ठीक है मेरे सब कुछ घर जैसा ही है और मैं यहाँ पर टाइपिंग करने आया हूँ, टाइपिंग देकर वापस जाऊंगा, ठीक है। तो आप टाइपिंग को एकदम नॉर्मल लेकर के करें, और ज्यादा दिमाग पे आप जैसे वर्ड डालोगे तो आप वर्ड गलत लिखोगे या एक्यूरेसी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके की आप जल्दीबाजी वगैरह कोई भी नहीं करें, और परीक्षा के आपको एक दिन पहले या कम से कम 12 घंटे पहले आपको टाइपिंग बंद कर देनी है। ऐसा नहीं है कि आप परीक्षा देने जा रहे हो उससे 1 घंटे पहले आप 2 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि वहां पर आपको एक्चुअली जो स्पीड आपकी आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि थोड़ा सा हाथों को भी रेस्ट करने की जरूरत होती है। इस वजह से आप वहां पर जाने से जब एग्जाम आपका जैसे अगर जिस टाइम पर आपका एग्जाम है उस टाइम से कम 12 घंटे पहले आपको टाइपिंग अपना बंद कर देना है, हाथों को एकदम रेस्ट करना है, ठीक है। और किसी प्रकार की असुविधा अगर आपको होती है, अगर एग्जाम हॉल में क्या कंप्यूटर बंद हो गया, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है या फिर कुछ भी होता है, तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, एकदम संयम रखें और जो भी वहां पर इन्विजिटर है, ठीक है, उसको आप इन्फॉर्म करें या जो भी लैब को संभाल रहा है उसे आप इन्फॉर्म करें, जो भी वहां टीचर लगे हुए रहेंगे, ठीक है, उनको आप इन्फॉर्म करें, वो आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी आपको घबराने की वहां पर जरूरत नहीं है कि कंप्यूटर बंद हो गया तो क्या होगा, कीबोर्ड बंद हो गया तो क्या होगा, अगर टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो जाती है किसी भी तरह की तो भी आपको वहां पर घबराने की जरूरत नहीं है, उनको इन्फॉर्म करें, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई थी कि आपको जो मेरे नंबर मैंने आपको दिए थे, ठीक है, ये नंबर, उस नंबर पे आप जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर फर्स्ट डे को एग्जाम है वो मुझे जरूर नोट करवा दें ताकि मैं उनसे वहां कॉन्टेक्ट कर पाऊं और उनको मतलब एक वीडियो के थ्रू, वीडियो के अंदर उन्हें ये बाकी जो बच्चे हैं उनकी हेल्प कर सकूं। इसलिए आप अपने नंबर, नाम ये सब मुझे नोट करवा दें, और अगर एग्जाम सेंटर के आसपास जहां तक सिक्योरिटी अलाउ की जाएगी
वहां तक मैं आपको वही जस्ट आसपास में मिल जाऊंगा। ऐसा अगर होता है कि भाई थोड़ी दूर के लिए सिक्योरिटी के तौर पर अगर बंद कर दी जाती है रिकॉर्डिंग वगैरह, तो मैं वहां से थोड़ी सी दूर पर भी आपको मिल जाऊंगा। जहां तक मुझे अलाउ किया जाएगा वहां तक मैं अलाउ होने की कोशिश करूंगा, और आपसे मेरा पूरा कॉन्टेक्ट रहेगा। जिन बच्चों का मेरे पास में रजिस्ट्रेशन होगा या नाम होगा नंबर होगा, उनसे मैं कॉन्टेक्ट करके आपको हर इन्फॉर्मेशन वहां आपके वहां तक पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो के अंदर कमेंट जरूर कर देना आपकी लैब कौन सी है, और आपको जो भी कॉलेज के अंदर लैब और जो शिफ्ट मिली है वो मुझे कमेंट जरूर कर देना। इसके अलावा किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो कैसा लगा इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो आपको मैं लेकर आता रहूंगा। उसमें अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे व्हाट्सअप कर दिया करो या कॉल करके पूछ लिया करो, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप पे अगर मैं नहीं देख पाता हूँ तो आप मुझे जीमेल वेबसाइट पे या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या जो फेसबुक आईडी है उस पर आप मुझे बता सकते हो। इसके अलावा जो फेसबुक का ग्रुप का लिंक जो मैंने नीचे आपको दिया है वो आप जरूर जाकर के वहां पर क्लिक करके उसे ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन अब मैं यूट्यूब पर हर टाइम वीडियो नहीं बढ़ा सकता, तो मैं कम से कम उस पर आपको पोस्ट कर दूंगा, और यूट्यूब पर भी मैं कम्युनिटी पोस्ट में आपको पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। तो कम्युनिटी पोस्ट आप चेक करते रहें बार बार, और उसका जो वीडियो है अगर फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे मुझे वहां पर जल्दी मिल जाते हैं एग्जाम खत्म होते ही, तो उसी समय मैं आपका आपके सामने जो उसका फर्स्ट शिफ्ट के अंदर क्या आया किस तरीके से आया सारा वीडियो मैं आपको वहां पर दे दूंगा, ठीक है। ओके दोस्तों धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद जय भारत।